Assalamualaikum and welcome to Time Out with Ehsan Khan. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बिल्कुल जहां जहां भी है खैर खैरियत से हैं जनाब, and you are having great time. आज हम लोग बड़ा जबरदस्त शो करने वाले हैं. वो इसलिए जबरदस्त है कि मैंने नोटिस किया है कि एक तो होते हैं टेलीविजन एक्टर्स, एक होते हैं फिल्म एक्टर्स, थिएटर एक्टर, लेकिन एक और लोग होते हैं जो एक अलग सा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, और उनकी कितनी फॉलोइंग होती है, आप लोग कितना उनको फॉलो करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और बार बार एज यूजुअल हमें मैसेज करते हैं कि यार इन लोगों से मिलने का, गपशप करने का जी चाह रहा है. तो आज मैंने दो ऐसे सुपर टैलेंटेड लोग बुलाए हैं जिनसे आप लोग मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगे. दे वेरी वेरी टैलेंटेड. इनकी जब हम वीडियोज़ या इनकी बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया पर सामने नजर आते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये कुछ कॉमेडी भी कर रहे हैं, कुछ फनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई सबक आमोज बात भी होती है इनकी बातों में. तो जनाब आज मिलेंगे आपके हमारे फेवरेट, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और जैसा कि आपको मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आज हमारे पास सोशल मीडिया के दो बड़े नाम आएंगे. इनकी वीडियोस, इनकी बातें मैं भी सुनता हूँ, बहुत दफ़ा इनको देखता हूँ. अक्सर व बेशर आप जब नहीं भी ढूंढ रहे थे तब भी ये सामने आ जाते हैं. पता नहीं कहाँ से सामने आ जाते हैं यार, ये मुझे आज जानना है कि कहाँ से हमारे सामने आते हैं बार बार. लेकिन आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतने प्लेटफॉर्म्स है वैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. नाउ इट कैन मेक अ डिफरेंस, इट कैन डू वंडर्स, लेकिन शर्त यह है कि कुछ करने के लिए हो वहाँ पे. अब ये दोनों क्या करते हैं, इनसे बातें करेंगे. आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, आपकी फरमाइश पे इनको बुलाया. सबसे पहले हम बुलाएंगे दानिश अली को. Good to see you, Danish. Likewise, thanks. How are you doing, man? I'm very good. बुरा तो नहीं कि मैं पहले बैठ गया आपसे. नहीं आप please. कुछ लोग mind कर जाते हैं. मैं नहीं मैम. Very good. आपको लग रहा था मैं mind कर रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल. ऐसा तो नहीं लगता ना? नहीं नहीं not at all. बिल्कुल सही है. सही आपने सही पहचाना, बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ. Next हमारे जो guests हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं. मैं चाहूँगा आप उनका नाम लें ऊंचे से. कौन है हमारे बड़े नाज़रीन? तालियां फॉर मिस्टर जुनैद अकरम. जुनैद अकरम. Junaid, good to see you, man. So good to see you. How are you doing? I'm okay. यार देखने में दोनों, यानी यूं देखने में लगता है कि बहुत सीरियस टाइप के लोग हैं. Yes. यानी इनसे बात करते बंदा सोचेगा कि अच्छा, यानी क्या पढ़ाते हैं आप? आप डॉक्टर हैं. अच्छा दानिश में तो फिर भी कभी कभी ना वो आता है मुझे दानिश की. दानिश तो है डॉक्टर. नहीं वो तो मुझे मालूम है डॉक्टर है. लेकिन दानिश मैं कभी कभी भूल जाता हूँ. नहीं भूल ही जाता है दानिश. जैसे कभी चलता है या कभी मुस्कुराता है तो लगता है कि ही हैज दैट विटी साइड. लेकिन आपको देखे तो बिल्कुल बड़ी एक सीरियस लुक आती है. क्यों दानिश, आई राइट? आई थिंक हो सकता है उल्टा. ताया मेरी ना शक्ल तायाबू वाली, बचपन से ना मैं ऐसा ही आया. ड्रेसिंग रूम में तो यही मुझे हंसा रहा था पूरा. आई थिंक उल्टा है. अच्छा लेकिन लोग अक्सर मिलते हैं ना तो लोग पूछते हैं यार आप हंस क्यों नहीं रहे? ना मैं पागल हूँ, क्यों हंसूंगा? मैं बैठा खाना खा रहा हूँ, मैं हंसूंगा क्यों? उनको लगता है हर वक्त हंस रहा है ये बंदा. हाँ और मैं हंसता थोड़ी हंसाता हूँ. हंसाते हैं. हाँ लेकिन वो उसके लिए आपको एक सीरियस मोड में जाना पड़ता है. आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, शादी में कौन कितना कोरमा डाल रहा है, ये सारी चीज़ें हम आराम से ऑब्जर्व करते हैं. तो लोग आके जो उल्टा कहते हैं आप बड़े सीरियस हैं. बट यू योर सेल्फ एक सेटर में एक हंसाने में ये भी होता है कि आप जो बात कर रहे हैं उस पर लोग हंस रहे हैं, आप खुद सीरियस बना उस पर भी एक हंसी आती है, वो भी एक स्टाइल है. बिल्कुल. अच्छा इनसे मैंने पूछा कि आप कौन से मॉर्निंग शो पे गए? कहते नहीं भाई मैं जाऊँगा मॉर्निंग शो पे तो वो मेरे माइयों करा देंगे, शादी करा देंगे, इसलिए मॉर्निंग शो पे नहीं जाते. नहीं असल में हमारी एक अवार्ड सेरेमनी में हम दानिश और पीसा में बिल्कुल साथ ही थे.
तो निदा यासिर मेरे बराबर में यासिर थे, उनके बराबर में निदा, मुझे देख के लगा अभी अभी मायों करा देगी मैं, तो मैं जरा से दूर दूर ही भागता रहा। अच्छा नहीं नहीं वो आप एक बात है, तकरीबन 350 दिन साल में जब आप मॉर्निंग शो करते हैं तो कहीं पे शादी भी करानी पड़ जाती है यार, क्या हो गया? और कई शौक से कराते हैं लोग, क्या ख्याल है? पहले बता देते मैं भी कर लेता यही आके मॉर्निंग शो 14 साल पहले। अच्छा मुझे अपनी इंस्पिरेशन बताओ दानिश, हु डू यू लुक अप टू और इन कॉमेडी, आई मीन इन बीइंग फनी और विट या व्हाटएवर? पाकिस्तान के अंदर अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, अच्छा, जो हमारे ओल्ड गार्ड हैं। क्या इनका, इन तीनों में क्या अच्छा लगता है? मेहनत, वो नजर जाहिर होता है। आई थिंक वो बीच में कुछ जनरेशन मिस हो गया, जो स्क्रिप्ट राइटिंग की अहमियत होती थी वो आई थिंक उस वक्त बहुत सेलिब्रेट करते थे पाकिस्तान में कि स्क्रिप्ट, अब पुराने 50-50 लूज स्टॉक ये सारी देखे तो वो एक स्क्रिप्ट वो चीज़ अब नहीं है। आई थिंक शायद अब वापस आने लगे लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो क्योंकि अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी के बाद एक जनरेशनल गैप आ गया ना, है ही नहीं कोई उनके बाद कोई तरक... हाँ तो हम मैं भी एस्पायर ही कर रहा होता ना कि एक दिन यार मैं उनके लेवल तक पहुंचूं, यही मेरा इंशाल्लाह। You're a doctor, I mean, but you don't practice. Doctor ही practice नहीं होती क्योंकि उसमें पैसे इतने नहीं होते होंगे जितने इसमें पैसे होते। I think पैसों से ज़्यादा मैंने बहुत early realize कर लिया कि मुझे वो शौक नहीं था डॉक्टरी में जो मुझे कॉमेडी में था, और मुझे लगा कि कॉमेडी में तो मैं गलती कर सकता हूँ, डॉक्टरी में मैं गलती नहीं है। हाँ। तो मैं एज अ मरीज चाहूँगा मैं उस डॉक्टर से मिलूँ जो 48 आवर्स तक सोया नहीं है, पूरे वक्त किताब पढ़ते रहे शौक से। हाँ। मेरे एर्थ गेट मेड स्कूल में थे ऐसे लोग, मेरे अभी भी कॉलीग हैं डॉक्टर्स, वो 40-40 घंटे पढ़ रहे होते थे, पेशेंट के साथ होते थे, मेरे में वो इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्यों एक मीडियोकर डॉक्टर बनूँ, तो मैंने कहा कि अगर मैं अच्छा कमेडियन बन सकता हूँ। अच्छा अगर उस वक्त अगर आप मीडियोकर डॉक्टर बन के कुछ खुदा ना खास्ता 19-20 होता तो वीडियो फिर भी आपकी आ जाती फिर मैंने देखा आप बाद में अभी रिसेंट बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज पे भी लोगों को समझाने वाली बात, तो ये बड़ा एक मजे का ब्लेंड है कि आप लोगों को डांट भी रहा होता है कभी कभी, जुनैद जो है ना वो भाई मतलब हाँ फुल, लेकिन अच्छा है लोगों को, लोगों को समझ लेते हैं, उनको समझाना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, ये कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अच्छा आपने जैसे इंस्पिरेशन की बात की तो जो नाम दानिश लिए ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग वो नाम तो है, लेकिन एक और नाम जो मेरी नजर में बहुत अहमियत का हामिल है वो माजिद जहांगीर साहब है, जो कि 50-50 की बैकबोन वाह और वो मेरे वो हीरो है, ठीक है ना। और कुछ अरसे पहले उनकी एक वीडियो नजरों से गुजरी, बड़ी मुश्किल में थे वो, बहुत मुश्किल में थे, तो बड़ा अफसोस होता है कि एक आपने एक पेडेस्टल पे रखा होता है अपने हीरो को, तो अफसोस भी हुआ। लेकिन उनकी जो खास वजह वो कितने कैरेक्टर्स वो करते थे, कितने कैरेक्टर्स वो, मतलब कभी वो बिहारी बबुआ बन जाते थे, तो कभी वो टीटी कलेक्टर ट्रेन के, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट, वो इंस्पिरेशन रहे। और फिर जाहिर है अब मैं उस पॉइंट भी नहीं चाहूंगा कि जी जब जिंदगी में बड़ी दुख हो तो आप एक कॉमेडी का लिबादा ओढ़ लेते हो कि आपके कोई दुख ना, ऐसा नहीं होता। आप, ये होता है? नहीं, ऑफ कोर्स होता है, वो जाहिर है कि आप मास्किंग कर रहे होते हो, लेकिन ये कि कभी कभी फिर लाइक ह्यूमर रन्स इन द फैमिली, हो हम लोग ना आधे दर्जन बहन भाई हैं क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था तो आपस में वहां ही थे, तो इतनी अच्छी बात की। ये भी ये फिर एक गहरी बात है, इंटरनेट नहीं था तो अपनी बॉन्डिंग एक बड़ी जबरदस्त थी और आपस में सारा दिन बातें करते थे, बातें नहीं करनी, लताड़ना एक दूसरे को, वन अप करना है कि वो वहां से ये लाइन आएगी तो मुझे पहले से एक अच्छी लाइन सोचनी है, तो एक प्रैक्टिस घर में ही रही, फिर दोस्तों यारों में भी प्रैक्टिस, फिर वन थिंग लेड टू अनदर, फिर स्टैंड अप की तरफ गया, फिर लोगों ने बोला जी यूट्यूब पे जाएं, स्टैंड अप कॉमेडी में तो 40 लोग हैं कमरे में, यूट्यूब में लाखों लोग हैं, तो इट डिड रियली वंडर्स। और सोमालिया से भी पहली वीडियो हिट हुई ना, सोमालिया से मैसेज आया, यार पाकिस्तानी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा वो क्या है, खली बल्ली क्या? हाँ खली बल्ली, हाँ क्या है इस तरह जो मेरा मोजा है और मेरा पैंट है उसमें ये बीच में गैप है जिसपे मुझे अभी बहुत टेंशन हो रही है, एडिटर प्लीज इसको ग्राफिक्स के साथ जो ना हॉलीवुड मैच, लेकिन मैं बोलूंगा आपकी ना लैंग्वेज का पार्ट बन जाते हैं, जैसे अगर आप इंग्लैंड में रह रहे तो इन इट आ जाता है। डॉक्टरी छोड़ दी, आपने दुबई में यू वर्किंग फॉर समथिंग?
I was in sales. Right. And then थोड़ा सा आपने बोला कमाई ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा कमाई है. सच भी है ना ये? Obviously, देखा ना भाई, मैं पहली वीडियो यहाँ से बना के मूव हुआ था, क्योंकि पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी 2012 में, जनवरी में 10 साल हो जाएंगे माशाल्लाह. तो हमने बोला यार काम तो वही होता है जो दफ्तर वाला होता है, ये तो एवी शौक्स हैं. तो वो मैं चला गया, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ जब यूट्यूब में हमारे पास कोई लोकल एग्जाम्पल नहीं थी कि जो फुल टाइम ये काम कर रहा हो. So it's very strange for yourself also, for people also to. It was a new industry. YouTuber, हाँ, it's a new platform. तो फिर जब वक्त के साथ साथ जब हमने देखा globally यार YouTube stars भी कुछ होते हैं, तो फिर मैंने दोबारा उसकी तरफ आया, और फिर वो खली वली मुंह से निकल गया क्योंकि वो मेरी ज़बान का हिस्सा था. और वो लोगों मतलब पसंद आया, लोगों ने यार टी-शर्टें बना के बेची, मग्स में बेच रहे, मुझे पता ही ना, मैं वहाँ बैठा मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टी-शर्टें बिक रही है मेरे से. So then you to didn't join being a doctor, you've hardly videos matlab bana ke, to that's, is that your bread and butter now? Ji, I'm kuch aur iske alawa nahi. Main jaise humse, sorry main baat kar raha hu, lekin hum logo se bhi jab maine acting shuru ki aur kafi der guzar gayi acting mein, to logo ne pucha aap karte kya hai na, matlab acting karte hain, lekin aap yahi aapka, is tarah main bhi pucha ki youtuber hona is like a full time job now. Ji, aap keh sakte hain, normally main all sweeping keh deta hu, ji main media mein hu. तो वो एक कंफ्यूजन भी रहती है. Because then you also come on TV and then you also do shows, so it's media, right? So what about you? आपने सब जॉबें छोड़ दी और सब? सब मैं छोड़ छाड़ के, जिस दिन मैंने देखा ना यार पाकिस्तान से ज्यादा पैसे आ रहे हैं और दुबई में पैसे कम है, तो मैं लगा फिर यही सही है. तो फिर मैं वापस आ गया. नहीं तो लोगों ने ये बोला कि आप तो खुद दुबई बैठे हुए और पाकिस्तान लोगों को क्रिटिसाइज करें, ये बोलते थे. अब यहाँ आके बोलते हो तो कहते इतना मसला है तो वापस चले जाओ. अरे जब वहां था कहते हो यहाँ आओ, यहाँ हो तो कहते वहां चले जाओ. चैन नहीं लोगों को. इंटरनेट पे कॉमेंट करने का वो आप ना छीन सकते ना कंट्रोल. ये मीडिया वाला सवाल लोग भी पूछते हैं कि यार वो यूट्यूबिंग तो इसके अलावा क्या करते हो, तो लोगों को यकीन नहीं आता. ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम, फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम है. पिछले दिनों मुझे पुलिस ने रोका रात को, शायरी सुनाई. नहीं, तो वो रात को उनको मेरे शीशे मजीद काले लग रहे थे, तो सिक्योरिटी कंसर्न था, उन्होंने रोका. तो कह रहे क्या करते हो, तो मैं यूट्यूबर हूँ, अमूमन इस पे छोड़ देते हैं. अच्छा, अरे जबरदस्त यार, चैनल का नाम बताओ. अरे हाँ, मैंने अब याद आया, आप टॉर्च मारते ना, तो वो शायद मुझे नहीं जानते थे. मैंने बोला ना मैं यूट्यूबर हूँ, आजकल तो हर कोई यूट्यूबर. वो खुद भी टिकटॉक पे होगा वो. फुल बेइज्जती फील हुई मुझे. फिर मुझे चाय पानी देने पड़े. ये तो है, लेकिन हर कोई तो कर भी नहीं सकता. योर कंटेंट जो है वो उसको क्लिक होना चाहिए, हिट होना चाहिए. मुझे याद है एक जेंटलमैन पुलिस वाले ने मुझे रोका, वो मुझे पहचान गए, तो वो शायरी स्टार्ट हो गई और उन्होंने 15 मिनट रोक के मुझे, सॉरी अगर मैं ये टीवी शो देख रहे होंगे, बहुत अच्छी शायरी थी, लेकिन वो रोक नहीं रहते. तो एक वक्त पे मैंने बस फर्स्ट गेम चला के मैंने कहा आप इससे बेहतर मुझे गोली मार दे, मैं और शायरी आपकी और नहीं सुन सकता. उस बेचारे का भी दिल होगा, मुझे भी कोई सुने यार. हाँ नहीं, अक्सर ना लोग वक्त और मौका नहीं देखते कि कहाँ है. तो मैं एक बार चाय के ढाबे पे दोस्तों के साथ था, तो अक्सर ना तो एक आध कुर्सी आपकी टेबल पे खाली होती, एक साहब आके बैठे, खुद ही इनवाइटेड हिमसेल्फ, और बोले यार वो जर्मनी का वीजा मेरा नहीं लग रहा. तो उसके अरे मेला मैं कौन सा वीजा ऑफिसर हूँ, क्या हो? आपने टिप्स नहीं दिए उनको लगा नहीं, आप गए थे ना. मैंने तो मैं ऐसा टूरिस्ट गया था, मुझे क्या पता तुम्हें क्यों जाना है. हाँ तो अक्सर वो मशवरे लेने आ जाते हैं. अच्छा, फैमिली की तरफ से लाइक इट्स अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. I mean, obviously, parents ki to bade dream hote hai na ki your kid should be like this and he should follow this and he'll educate himself, blah blah blah, whatever. Jo bhi, bilkul aur sahi bhi hai, bilkul, of course, with all the respect. But then, when you did not practice your thing, you left your job. What was your parents and your family's? मेरा शुरू से ही बहुत support था, बल्कि वो तो नहीं चाह रहे थे कि मैं doctor भी बनूँ. Normally तो उल्टा होता है ना कि अच्छा आपके माँबाप ने भेजा होगा. नहीं, वो तो भीख मांग रहे थे, भाई please नहीं जाओ. क्यों? यार एक तो उनको पता था, उनको शक था ये सही डॉक्टर नहीं बनेगा, ये सही लड़का नहीं है, ये आगे शिफ्ट करेगा, कुछ और करेगा, तो कुछ और कर लो. क्योंकि एक तो वेरी एक्सपेंसिव, प्राइवेट ट्यूशन बहुत महंगा होता है. तो उन्होंने, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बनूंगा इस न्यूरो सर्जन, सर्जन नहीं न्यूरो, क्योंकि 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो मैं बन रहा था. फिर थोड़ा सा वो कॉमेडी करियर स्टार्ट हो गया फर्स्ट ईयर में, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मैं अपने घर से बाहर शिफ्ट आउट हो गया. खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर रहा था. तो फाइनल ईयर तक तो सबको पता था कि ये आगे डॉक्टरी तो नहीं करेगा, नहीं रहेगा. माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. यू मैरिड? जी 14 साल. 14 साल हो चुके हैं. ओह वाह, माशाल्लाह. तो क्या योर वाइफ
is supportive. Does she make videos with you? ये appropriate sound effect था, बहुत अच्छा. I think 14 साल, बड़ा पिश, नहीं sorry. तो Mrs. वो थोड़े से एक health related serious पेशे में है, तो उनको अच्छा नहीं लगता जब वो TV पे आए या notice हो, क्योंकि कभी कभी उनके भी मरीज होते हैं, तो वो कहते हैं वो भी कभी कभी बैठ के मेरे वीडियोस देख लेती है, बट बहुत रेयर होता है कि हम वर्क डिस्कस करें, ना मैं उसका काम कभी डिस्कस कर, मुझे कोई इतना शौक है, मुझे आप पूछेंगे भी एग्जैक्टली वो करती क्या है, मुझे कसम से नहीं पता. ये मुझे फिक्र है, नई बात है कि हम बाहर जब जाते हैं कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ना पूछ ले मेरे से, अच्छा आपकी बीवी करते क्या, मुझे मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा. यार ये बात नहीं है, ये पहले भी से. अच्छा यू टेल मी योर फैमिली, हाउ डिड दे टेक दिस कि यू हैव लेफ्ट योर जॉब. अच्छा तो हमारी फैमिली में तो कोई ऐसी एग्जांपल है ही नहीं, क्योंकि दूर दूर तक किसी का कोई मीडिया से या परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक हो. मेरा भी नहीं था, बस मैं एम ही घुस गया था इसमें, मैं चलो एम ही ट्राई करके देखते हैं. तो वन थिंग लेड टू अनदर. अच्छा तो फैमिली थोड़ी सी इस तरह की ओपननेस मुझे जाहिर है, चूँकि फैमिली में कोई एग्जांपल नहीं थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी या ओपननेस कितनी होगी, तो मैंने उनको बताया ही नहीं. फिर जब यूट्यूब आया तो पहली ही वीडियो वो इतनी वायरल हो गई कि वो फिर किसी खाला के बेटे ने या फलाने ने ना उनको फ़ोन करके बताया, उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था, फ़ोन करके बताया कि आपका बेटा कुछ कर रहा है, लड़की बना हुआ है वो. अब वो बार बार मुझसे पूछे, मुझे दिखाओ, मैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं. फिर घर पे बाकायदा आए मामू के बेटे ने लगवा के दिखाया, मैं चमाड मारू ना कसम से, हाँ कि ये क्या कर रहा है तू और ये. हाँ फिर तो बस फिर उनको फिर पता चला, खैर दे वर लाइक ओके ठीक है अच्छी बात है, तो नाउ दे फील रियली प्राउड. हाँ अगर मैं उनसे पूछता कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं या मैंने कॉमेडी करनी, तो शायद लितर ही पड़ते, जो एक टिपिकल एक पाकिस्तानी फैमिली का एक होता है. लेकिन अब तो बड़ा प्राउडली हमारा बेटा माशाल्लाह, जब साथ जाते हैं फिर लोग पहचान लेते हैं. हाँ हाँ हाँ, मॉल में तो अगर कहीं या किसी इवेंट पे हो तो ऐसे चौड़े होते हैं ना मेरे अम्मी, मतलब करता मैं हूँ चौड़े. आई थिंक वो एक परसेप्शनल शिफ्ट आया है. हाँ आया भी है वैसे, ये मीडिया में पहले 10 साल पहले उस लड़के की शादी नहीं होनी थी और वो बहुत ही वो सोसाइटी में अच्छा मीडिया में आए, लेकिन आई थिंक इस दौर में अब आप मीडिया बोले तो एक वो बहुत हाई स्टैंडर्ड, बिकॉज़ नाउ अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल हैव ऑप्टेड फॉर दिस आल्सो. बट नॉट ओनली दैट, एक्चुअली लाइक पहले क्या होता था कि एजुकेटेड तो खैर मैं तब भी नहीं था, अब भी नहीं हूं, बट नहीं मेरा मतलब है कि आई मीन थोड़ा सा बाशऊर लोग भी इस फील्ड में अब आ गए, और अब लोगों के पास ना देयर इज अ विंडो. पहले क्या होता था, एहसन खान ड्रामे में आया एंड दैट्स द ओनली विंडो दे हैव, बट नाउ दे कैन पीक इनटू योर लाइफ कि लाइक यू आर ट्रैवलिंग, यू आर डूइंग दिस, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ पे खाना खा रहे हो, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक ट्रस्ट भी आ गया. पहले तो पता नहीं क्या क्या लोगों के इल्यूजन थे ना, कि अच्छा मीडिया में तो ये तो फॉरन नशों में पड़ जाते होंगे, मतलब जैसे ही कैमरा कट हुआ फॉरन जाके कुछ पी रहे, ऐसा नहीं है यार बिल्कुल भी, मतलब लोगों की अजीब वो चेंज हो गए एजुकेशन के साथ एंड एक्सेसिबिलिटी के साथ लोगों का परसेप्शन बहुत चेंज. ठीक है जनाब, जबरदस्त गुफ्तगु जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, गेम की जाने बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. हमारा अगला सेगमेंट होता है शॉकर्स वाला, लेकिन वो यूजुअली या तो बहुत करीबी जो लोग होते हैं या कपल के बीच में होता है, तो मैं मुझे तो लगा कि आप दोनों से वो ना करूं शॉकर वाला, क्या ख्याल है? कर ले, क्या हो जाएगा, बन जाता है कपल. हाँ, कोई मसला नहीं. बन कैसे जाएंगे आप, मतलब लाइक दिमाग में बन जाएंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे. मतलब we don't really know each other personally, तो मैं ये कह रहा था हम एक दूसरे के बोंगी मार लेंगे, जैसे हम बहुत कन्विक्शन के साथ, मुझे पता है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा छोड़िया मारूंगा ऐसी वैसी. अच्छा चलो वैसे ट्राई करते हैं, सवाल एक दूसरे के लिए पूछने के लिए. दानिश से सवाल है जुनैद के लिए कि जब कोई खूबसूरत लड़की देखता होगा तो ये करता होगा, या आंखों में देख के बोलेगा हल्ली वाली, आई डोंट नो इज इट राइट. ओके फाइन, मोस्टली यस. ओके, बेगम से सिर्फ इस बात पर डरता होगा दानिश कि बेगम ने अगर कोई इसके साथ प्रैंक कर दिया और म्यूजिक बजा टेन 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 जो दानिश का अगर उस, हाँ वो नॉर्मली प्रैंक्स करती नहीं है, तो अगर उसने प्रैंक किया मैं वाकई में बहुत डर जाऊंगा उस दिन. हाँ कि क्या हो गए. हाँ उस दिन कुछ मामला खराब होगा. शादी के बाद ये अब जिससे जवाब देना, शादी के बाद बहुत सारे मर्द हजरात
डैश हो जाते हैं. सुधर होते नहीं है भाई पहले ही. फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं? खामोश हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए, तो इस वक्त बेहतर है कि खामोशी तैयार कर लूँ. तो मैंने भी वही बोला जो मेरी बेगम इस वक्त नहीं, जो मेरे सेहत के लिए बेहतर होता है मैं वही करता हूँ, तो अभी मैं खामोशी अख्तियार करूँ. ठीक है, मैं इनको कभी अपने शो में या इंटरव्यू में नहीं बुलाऊंगा. किन को? मतलब करियर एंडिंग वाले ही सारे सवाल जो है यही. क्यों यार, कोई भी टीवी की फिल्म की हो सकती है जिससे आपका ताल्लुक नहीं है. ओ बॉय, ताल्लुक हम बना लेंगे. अच्छा, सबको बुलाएंगे? दरवाजा सबके लिए खुला है. आप भी सबके लिए दरवाजा खुला है? यार वेरी डिप्लोमेटिक. नहीं देखिए, मैं कोई तो होगा जो बंदा नहीं पसंद नहीं करना है. जो मैं हजार है लेकिन मैं टीवी पे नहीं कह सकता. हजार है, मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी. हजार नहीं, एक नहीं. नो कम ऑन दानिश. नहीं नहीं नहीं, ठीक है. मुझे बात, मुझे बस इस बात का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा. मैं अफसोस नहीं कहूंगा. कभी कभी होता ना, आप ये बिल्डिंग है और आप यहां से आ रहे हो और एकदम आपने राइट टर्न करना है, तो एकदम हवा का झोंका आता है, तो अमूमन आपके बाल हिलते हैं, आप यूं करते हो. तो वो मेरा ना हाथ थोड़ी देर के लिए यूं होता है, यूं होता है, झटका आता है, क्योंकि 28 साल तक ये चलते रहा है हाथ. ये सही करने अब वो यूं होके रुक जाता और मैं यूं हो जाता हूं. क्यों आई गॉट एक्सेप्ट अब इस बात के सारी जिंदगी. अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मुझे खवातीन की इन या इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है यार. यार भाई ये I'm not like other girls. Says every woman. I'm not like other girls. I'm not like other women. सब यही बोलती. हाँ नहीं भाई, इस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ रहा. मैं एनी मिसेस घर पे देख रही है वो, she will not like this. मैं यार ये हर बात में मिसेस मिसेस कर रहा था. ठीक है जी. दूसरी शादी करने के लिए सबसे अच्छा बहाना ये होगा. ओह गॉड, चलो अपने लिए नहीं किसी और के लिए बता दे, सबसे अच्छा बहाना क्या होगा? दानिश कम ऑन यार. यार जुनैद प्लीज टेक दिस वन. इस प्लैनेट पे तो नहीं हो सकता. ये हो सकता है, ये हो सकता है कि जी मैं मार्स में आ गया हूँ, अब हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ानी है. आप दूर हैं, रॉकेट खत्म हो गया. सोच रहा है, सोच रहा है जुनैद का माइंड इज वर्किंग. नहीं इस प्लैनेट में तो नहीं, सीधा रॉकेट आएगा. ठीक है, सीधा रॉकेट नहीं आएगी, रॉकेट आएगा. ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेटेड मतलब प्लान था. उधार वापस लेना हो तो मैं ये करता हूँ. ओ बहुत चलाता हूँ, धमकियाँ सब कुछ. अच्छा नहीं, मैं मुझे अपने पैसे मांगते हुए शर्म आती है. अच्छा मुझे कॉल कर लेना, I'll do it for you. मैं जाके मैं मेरा ये वाला स्वैग तो अभी किसी को पता ही नहीं है. हाँ रुलाने वाला, हंसाना वाला तो कर लिया. मेरा ये टारगेट है, मैंने ना ऐसा रुलाना है कुछ बना के, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो ड्रामा, मैंने रुलाना है लोगों को. सीरियसली आंसुओं से रुलाना है कि सिनेमा से लोग निकले ना टिश्यू मांगते हुए. ओए ओए, यानी फुल जज्बाती सीन ऐसा वैसा. ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है. ओ मायरा खान, इजी मायरा. मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है. एक्ट्रेस दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सबा कमर. ठीक है, मेरा फेवरेट सिंगर ये है. Oh, so many. अली अजमत. मेरा फेवरेट सिंगर ये है. सजाद अली. ओह अरे वाह वाह वाह. मेरा फेवरेट डायरेक्टर ये है. ओह मैं इतने डायरेक्टर्स को जानता नहीं हूँ भाई. I would say Angelina Malik. She's a director. Okay. Yeah. I would say Wajad Rauf. Okay. He's fun to work with. Okay. मैं भूल जाता हूँ उसका असली नाम. मैं उसको उसके स्टेज नेम. Voice over man. हाँ voice over man. मैं भूल जाता हूँ. Okay. मेरा फेवरेट यूट्यूबर ये है. ओह केसी नाइस्टैट. इंटरनेशनल है लेकिन केसी नाइस्टैट. ओके, मेरी फेवरेट टिकटॉकर ये है. टिकटॉकर? हाँ. रुमेसा इज फनी. ओके मेरी फेवरेट टिकटॉकर ये है. मैं कसम से अनफॉर्चुनेटली जरूरी नहीं फनी हो नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली एक टिकटॉकर का नाम नहीं जानता. बट अच्छा मैं भी उनको इंस्टाग्राम से ही जानता हूँ, बट शी इज फेमस फ्रॉम टिकटॉक. सो आई डोंट नो एनी टिकटॉकर. ओके बाबूजी सियालकोट. हाँ ये भी तो सुना मैं बाबा जी से. कितना सुना, क्या है ये, क्या एनर्जी है उस लड़के, वैसे क्या है सर, स्वैग है उसका, क्या एनर्जी है उसका, क्या है बाबा जी. सर इस मुल्क में अगर आपने
ये आइडेंटिफाई करना ना कि एहसन खान ने पीक किया है कि नहीं किया, एहसन खान के नाम के पापड़ मिलते हैं कि नहीं। अगर आपके नाम के पापड़ मिल गए ना, तो बाबा जी सियालकोट के मिलते हैं। बिल्कुल सर, मिलते हैं सियालकोट में, मिलते हैं बाबा जी सियालकोट पापड़। वाह यार, पीक है यार, क्या बात है दानिश, हमारे दानिश अली पापड़ का। मैं मेहनत करूंगा एक दिन, शायद मेरे भी। हम सब मेहनत करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे इस बात के लिए। ठीक है, जिंदगी में ये दो बातें लाजमी याद रखनी चाहिए, वक्त की अहमियत और दूसरी आप बताएं। वक्त की अहमियत और दूसरा कि एक ही मौका मिलता है हर दिन के आप अपनी असल जिंदगी जिए काम के बाहर। आई थिंक ये मैं इस पर बहुत अप्लाई करता हूँ कि भाई काम के अलावा भी क्या है जिंदगी में। ये मेरे लिए बहुत अहम है और मैं कोशिश करता हूँ। So what do you do in your... मैं कैंपिंग और ऑफ रोडिंग का बहुत शौक हूँ। पाकिस्तान के हर किनारे पे मैं जाता हूँ फैमिली को लेके, डॉग को लेके, मिसेस को लेके, दोस्तों को लेके। हम कैंपिंग करते हैं मोस्ट वीकेंड्स में। जबरदस्त है। हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है एम्पथी नहीं है, एम्पथी नहीं है, दर्द नहीं है, दूसरे नहीं है बिल्कुल। यू थिंक सो? अच्छा, रास्ता नहीं देना, लाइन तोड़ना, खा जाना किसी का। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में हो गया अब, जीरो एम्पथी। ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक सेंस ऑफ केयर नहीं है दूसरे की। वैसे चैरिटी बहुत है, दर्द बहुत, मगर उसमें भी ना अपनी जन्नत ना यार, मेरी जन्नत है, उसमें भी थोड़ी सी सेल्फिशनेस है यार। अच्छी बात है, अगर आपने बता भाई जन्नत नहीं मिली, दो खाना खिलाओ, फिर देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। एजुकेशन आल्सो लैक सबसे बड़ा मसला, एजुकेशन। ठीक है जी, अगर कोई मेरी नींद खराब करे तो मैं ये करता हूँ, ओ चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, ओके, मतलब मैं पूरा बहुत शोर मचाता हूँ। और मैं अगर कोई मेरी नींद खराब करे तो मैं बर्दाश्त नहीं है सर, नींद और भूख का मजाक बर्दाश्त नहीं है। भूख का भी नहीं, तुम सो जाते हो? इसको तो भी भूख लगी हुई लग रही है। डरो भाई, जुदे से डरो। सैंडविच। अच्छा, सोशल मीडिया के सबसे ओवररेटेड व्लॉगर यार मैं यही बोलूंगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम यही जिक्र कर रहे थे इन द ड्रेसिंग रूम विदाउट सेइंग अ नेम, कि जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो जब जैसे ये रहा मेरा नाश्ता, आज मैंने ये देखे कौन सा स्वेटर पहना, तो थोड़ा सा ये अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लें तो। मैं सब डेली ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे ब्लॉगर्स में तो इरफान जुनेजो, जो मुरू सारी सारे हैं, लेकिन ये जो जी मैंने आज मेरा ऑमलेट में पुदीना नहीं था तो इसके ऊपर 40 मिनट का ब्लॉग और उसके 2 करोड़ व्यूज। अच्छा, ये क्या चक्कर? अच्छा चलो, एक मिनट, ये व्यूज है क्या चक्कर? 2 करोड़ व्यूज कैसे हो सकते हैं इतनी बोरिंग चीज पे? आप हमें समझा दें, कल मैं भी अपनी ऑमलेट, अगर मुझे पता चल जाए कल मैं भी अपने ऑमलेट में बता रहूंगा जी ये देखें प्यार। कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा जो नहीं, जो लोग 2 करोड़ इतने लोग देखते हैं, कुछ तो। अ लॉट हैज टू डू विद द वे यू लुक। हमारे लोग ना खूबसूरती पसंद तो है, ओके, दैट इज ट्रू, ओके, ठीक है ना। तो इस सर पे मैंने इतनी ऑडियंस जमा की है तो बड़ा टैलेंट है तभी जमा की है, वरना लोग लुक्स पे, लुक्स ऐसी बात भी नहीं है यार, इजी है, इजी लुक्स पे फॉलो करना इजी। फिर लाइफस्टाइल, लोगों को शौक है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा ये गाड़ी चला रहा है, अच्छा ये दोस्त आज मिले हैं, अच्छा आज इन्होंने ये किया। तो ये जिस तरह की जैसे आप कह रहे हो डेली व्लॉगर्स, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल टेक इंटरेस्ट, बिकॉज हमारे हम वी डोंट रियलाइज बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड सेंस ऑफ यू नो प्रिविलेज बहुत है, तो बहुत से लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। Probably, probably. कि यार आज इन्होंने यहाँ पे खाना खाया, यहाँ खाना खाया, आज ये मुंह उठा के मालदीव्स चले गए। बहुत से लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, राइट? सो एक ये भी एक सेंस है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, परमिशन नहीं है। साथ में मतलब मैंने मजाक तो उड़ा लिया, इनको रियलिटी टीवी स्टार्स आप खिला लेना, लेकिन ये भी एक स्किल सेट जरूर है। मैंने मजाक मजाक में कह दिया, लेकिन इट्स अ स्किल सेट, बिल्कुल है। मैं तो हर चीज ही स्किल सेट। हां, मैं तो कार्डेशियंस का फैन हूं, पूरी दुनिया गालियां देती है, लेकिन उन्होंने देखो, दे टर्नड देयर लाइफ इनटू अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। या एंड दे हैव स्टार्टेड सिंस व्हाट एज एंड दे हैव बीन इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड देयर द वे उसकी वालदा ने जो उसकी मदर ने जो काम किया, मतलब वो बेचारी जॉबलेस थी पूरा दिन, कैमरा अगर एहसन खान के यार तो बंदा क्या करेगा। सही है, कल से हम तीनों अपनी ऑमलेट का व्लॉग बना रहे हैं, देखना मत भूलिएगा। अच्छा, पीसा में दोनों गए हुए थे तो फिर वो ऑब्वियसली चारों को तो नहीं मिलना था अवार्ड, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन थी कि मिल जाएगा, थोड़ी सी तो होगी।
और सबकी अलग अलग स्टाइल है ना, कोई एक दूसरे से वो मैच भी नहीं करता. ठीक है, ओके जी, आगे दो सवाल हमारे पास है कि मेरी शख्सियत में सबसे बड़ा चेंज उस वक्त आया जब जब मेरा बेटा पैदा हुआ. ओह अच्छा, क्या चेंज आया? मैंने सिगरेट छोड़ दी 20 साल बाद. वैसे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हुव डन दिस बिकॉज़ वो बच्चे के स्मेल आती है या उसके सामने सिगरेट पीना. हां नहीं, मुझे बस ये था कि नहीं, आई वांट टू लिव मोर. हाउ स्वीट इज दैट. मैं क्यों गलत चीज क्यों अपने अंदर डाल रहा हूं? So like I quit it. बिल्कुल सही है. आज मेरे अंदर कोई चेंज आया होता, मैं वैसे का वैसे ढीठ हूँ, वैसे का वैसे खबीस हूँ. अभी तक मैं कुछ नहीं सीखा है जिंदगी में. मेरा अब्बा अम्मा बीवी सब बोलेंगे भाई तुम वैसे ही हो, प्लीज बदल जाओ. अच्छा लास्ट, मेरी एक आदत जिससे मैं भी परेशान हूँ और मेरे आस पास रहने वाले लोग भी परेशान है. रोड रेज. अच्छा रोड रेज. मैं बहुत same, 100%. तो खुद ट्रैफिक के ऊपर लेक्चर भाई दे रहा होता फिर रोड. इसीलिए ना, क्योंकि रेज आता ही वहीं से है ना, क्योंकि यहाँ घुस रहा है यहाँ घुस रहा है. अच्छा फिर कभी हुआ है कि तुमने शीशा नीचे क्या है किसी को सबक सिखाने के लिए गाड़ी बहुत अच्छी, आप आगे जाएं, मैं आपको जगह देता हूं क्योंकि एकदम से वो. अच्छा एक चीज, जितने अम्मी बैठी होती है ना मेरी पढ़ पढ़ के फूकों की आवाजें आ रही होती है मुझे, उनको पता है अभी ये बोलेगा अभी ये बोलेगा तो गुस्सा ना करे बस. अच्छा जितने भी जैसे फिल्म होती है, टेलीविजन का काम होता है, थिएटर होता है और फिर YouTube, अब नई नई चीज़ें बनाने वाले, जैसे इसका वो रिश्ते वाला जो वीडियो था ना, बड़ा मज़े का वीडियो था और भी बहुत अच्छा. That's the most viral video. Yeah, yeah, और a lot of other things that you make also. So what do you think के इन सारी चीज़ों में सबसे मुश्किल काम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा लगता है कि यार इस काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हम दोनों के डिफरेंट आंसर्स होंगे क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट. व्हाट डू यू फील? आई फील अगर जैसे कोई पॉइंट समझाना हो, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल तो का तो मैं लव्स यूज नहीं करता, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा था एंड आई वॉज यूजिंग सम फैक्ट्स एंड फिगर्स हिस्टोरिकली और फ्यूचर प्रोजेक्शन कि पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी होती जा रही है, हमारे रिवर्स ड्राई हो रहे हैं, इफ़ यू डोंट स्टॉप एट दिस पॉइंट तो आज तो हमें फ़ोन करते हैं पानी का टैंकर आया था कल को शायद उसके लिए हम लड़ रहे होंगे. सो आई वाज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस फॉर दैट. और अगर आज नहीं की अवेयरनेस तो 2040 में बहुत मसले होंगे, उससे पहले ही. एग्जैक्टली, बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप पाकिस्तान में किसी को बोले कि जी थोड़े से बच्चे ज़रा रोक ले तो फिर आगे से क्या जवाब आते हैं, तो वो फिर लाइक यू फील रियली हेल्पलेस कि यार आई रियली वांट टू यू नो inculcate something right or not right, maybe something that you should at least ponder upon. तो फिर आगे से जो सीधा जवाब आता है ना, जो झंडा यहाँ बन जाता है और फिर ये हो जाता है तुम ये हो तुम वो, तो वो कभी कभी फीलिंग आती है इट्स अ थैंकलेस जॉब यार, मैं बिला वजह मुझे क्या जरूरत पड़ी, मुझे क्यों शौक है एडी साहब बनने का, नहीं बनना मैंने, खली वली अपनी फनी वनी करता हूँ, वीडियोस पैसे कमाता हूँ. तो इस तरह से ये मुश्किल सबसे ये वाला सबसे ये स्टेज आता है फिर अपने आप को फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल है. व्हाट डू यू थिंक? मेरे लिए क्योंकि मैं स्केच कॉमेडी करता हूँ तो उस पर जो चैलेंज है अभी सोशल मीडिया एल्गोरिदम चेंज हो रहा है कि आप डेली कॉन्टेंट निकालें. मेरा जो कंटेंट है स्केचेस कभी कभी जैसे रिश्ते का सौदा आपने जिक्र किया वो 3 महीने लगा है, उसका स्क्रिप्ट 2 महीने लगा है, उसको 1 महीना शूट किया तो शायद 2 हफ्ते एडिट किया है, फिर फोकस ग्रुप्स पे गए दिखाने को कहाँ नहीं हंस रहे ताकि वो पार्ट्स डिलीट करें, फिर कुछ और फिल्मिंग तो नहीं करना, ये मे बी 4 महीने लग गए उसको और वो स्क्रिप्ट वर्किंग उसके ऊपर करनी पड़ी. वो स्क्रिप्ट मेरे पास 1 साल से पड़ा हुआ था. तो ये मेरा चैलेंज है ऑफ लेट कि मैं स्केच कॉमेडी कैसे बरकरार रखूँ जब यूट्यूब एल्गोरिदम फेसबुक एल्गोरिदम नाउ टिकटॉक और ये स्नैपचैट और वो चाह रहे हैं कि डेली निकालो, वो आप क्वालिटी मेंटेन कर ही नहीं सकते. डेली वही आएगा ना कि ये मेरा ऑमलेट है, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही होगा ना. प्लीज कल देखिएगा मेरी ऑमलेट का व्लॉग सब. ये मैं ढूंढूंगा कौन है ऑमलेट वाला भाई. अबे बहुत है, एवरी व्लॉग स्टार्ट्स विद द ऑमलेट. अगर मैं कोई कैंपेन करूंगा ना तो यही करूंगा कि ऑमलेट व्लॉग में डालना बंद करो, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन. आप आगे बढ़ते नेक्स्ट गेम की जाने पड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान.
जनाब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट तीखा सच और भूख लगी हुई दोनों को यकीनन लगी हुई है यकीनन लगी हुई है इतने जबरदस्त ये विंग्स हैं थैंक यू ये मैं बता नहीं सकता आपको मैं यही बोलने वाला था कि मिर्चे कम सारे डाल दिया और वो करना ये है कि आपको सारा ही सारी ही डालनी पड़ती मिर्चें उसके उसके वाले पे भी कोई डाले ना या उसे मेरे पे बिल्कुल ऐसे है ये देखे तो सही यार यार भाई परेशान ना अभी देख करते यार अस्पताल करीब है यहाँ पे नहीं ऐसा क्यों क्या हो जाएगा ज़्यादा क्या होगा स्पाइस ऑफ लाइफ है यार ये अच्छा मुझे लगा कि वो इट्स पार्ट ऑफ अ सेट तो ये बस रखी हुई है ये तो पूरी डाल रहे हैं नहीं आप चखेंगे आपको मिर्च नहीं लगेगी मैं ये गारंटी लगेगी नहीं मैं लग जाऊंगा छत पे मैं गारंटी देता हूँ आपको देखिए आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा यहाँ पे आने से पहले इसमें लिखा हुआ था कि हम मिर्चें भी खाएंगे अल्लाह रहम करे अब वो आपकी चॉइस है आप चाहे हरी वाली खा लें चाहे वाली खा लें वैसे ज्यादा नहीं है दूध रखा मैंने कोई दूध पिलाई हुई पता नहीं क्या रसम 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 कर वो इसलिए रखा है कि अगर बहुत मिर्च लगी तो आप दूध पी सकते हैं मिर्चें दूर होती है पहला सवाल हम करेंगे जुनैद अकरम से जुनैद यू हैव टू टेक अ बाइट एंड देन रिप्लाई ओके सो यस ईट इट मैन ईट इट सोशल मीडिया पर कामयाब होने की एक ही रास्ता है ये तो आप में टैलेंट हो या आप उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाएं जिसमें कोई टैलेंट हो सोशल मीडिया पर काम करना ऐसे चंद नाम जिन्होंने ये काम किया हो ये क्या था यू सेड दिस या मैंने कहा था या आपको ख्याल है ना हाँ बिल्कुल कहा था ये मेरे कमेंट है हाँ ये हमने वहीं से निकाला है भाई किसी और के नहीं है ये किसने रिसर्च की है भाई ये हमने की है रिसर्च ये आपने बोला है कि या तो आप में टैलेंट आप में हो या आप किसी उस के कंधे पे रख के बंदूक जिसमें टैलेंट हो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है क्या है? मतलब कंधे पे रख के मतलब ये कि कोई आपका फेमस दोस्त है उसके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं तो ओपन कैब उसके इंस्टा पे रोज दिख रहे हैं आपको भी दो चार फॉलोअर मिल जाएंगे और यहाँ ये भी हो सकता है कोई बहुत मशहूर हो आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें या उसके साथ कुछ ऐसा कर दें आप उसके बाद तनकीद शुरू कर दें उसके बाद हाँ बिल्कुल दैट्स द इजीएस्ट वे है ना तो अक्सर लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना के मुझे टैग करते हैं कि जवाब दोगे मैंने उसको जवाब दिया तो वो मशहूर तो मेरी ऑडियंस भी जाएगी ना उसके पास ये तरीका होता है तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है लोग करते हैं ऐसे डज इट हैपन वर्क करते हैं इट वर्क्स फॉर सम पीपल मैं नहीं वर्क होने देता सर जवाब बट मे बी समवेयर समबडीज मैंने प्राइम मिनिस्टर से एक ही चीज सीखी है जवाब ही नहीं देना किसी को जो भी बोल रहा है बोले खल्ली वल्ली ठीक है दानिश योर टर्न ब्रो कम ऑन मैंने सबसे कम मिर्चों वाला उठाया था उसके बाद भी यही हाल है दानिश ने एक वीडियो बनाया रिश्तों के ऊपर उसमें डॉक्टर का रिश्ता 40 लाख का था आर्टिस्ट मुफ्त में था इंजीनियर के रिश्तों में कि तो आपने लड़की वालों के आगे बिल्कुल ही बेकार बना दिया इस सोच के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था मिसेस खान ने बनवाई थी वीडियो क्या था ये देखिए क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ तो ये जोक्स तो चल सकते थे अच्छा और मेरे खानदान में इंजीनियर भी था बेसिकली हर जगह से मैं कवर्ड था तो लेकिन आर्टिस्ट बेचारा मुफ्त में मतलब मजाक तो होता था ना पहले अब चेंज हो गया है लेकिन इसका मजाक उड़ाना लाजमी था कि आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज अगर मजाक उड़ाएंगे तो बेहतरी आएगी ना आपने खाया नहीं है देखो खा चला तेज आदमी है यार ये हाँ, देखो भाई ये मैंने हाँ, वो देखो कैसे नोच डाली बोटी हाँ जी दानिश मुर्गी बोली कहाँ फंस गई नहीं आप मजाक उड़ाएंगे प्रॉब्लम का हाँ, तो फिर ही वो अवेयरनेस तवज्जो जाएगी अवेयरनेस आएगी लोग बात करेंगे फिर उसका खुद ही सोल्यूशन निकालेंगे मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी ये कमाल होता है पूरा खत्म करो भाई इसको भाई पूरा क्या आप अपना करो भाई क्या कर दिया मैंने ये खाइए शादियों के सिस्टम पर आपको काफी एतराज है और आपने अपनी शादी को भी आसान बनाया क्या तरीका है कि शादी आसान बनाने और आपको क्या एतराज है शादियों पर जरा बता दो हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है तो लोगों ने हर किस्म की एंटरटेनमेंट शादी में रख दी सही डांस करने का शौक है ऐसे डांस करेंगे फतवे आएंगे शादी करा दो फलाना फारिग उसकी शादी करा दो शादी बहुत अच्छी चीज है इट चेंज माई लाइफ फॉर एवर Not against that, not against the institution, but the way we conduct it. ठीक है हम thoroughly देखते नहीं है कि आपका बेटा कैसा है उसको क्या preferences हैं आपकी बेटी क्या है उसकी क्या choices हैं समोसे plate पे समोसा chart पे आप शादी अगर आ जाते हो ठीक है फिर उसमें इतना expenditure ये वो मैंने बड़ी सादगी से शादी की थी बेगम के साथ ही की थी अभी बेगम है मगर ये कि हमारे यहाँ एक फिर एक एक्सट्रावेगेंस का एक बहुत बड़ा कल्चर बहुत ज्यादा ये तो एक मतलब भाई वो चील पे बैठ के आ रही है कभी कोई अंडरटेकर की तरह आ रहा है लाइटें बंद हो गई टंग अंडरटेकर फिर कभी कोई क्या आ रहा है
हेलीकॉप्टर भी आने लग गए अब तो, हेलीकॉप्टर में बराते आ रही हैं. तो फिर उससे फिर होता ही है कि the people who don't have those means, then they have to compete to keep up with the Joneses, right? तो वो फिर इन चीजों के मैं जरा खिलाफ हूँ कि भाई और होना भी चाहिए. मुझे लगता है सबको ही होना चाहिए अकल मंदी के साथ इंसान को शादी. इतने प्रेशर में होते हैं फिर लोगों की शादियां नहीं होती, लोग फिर लेट करते हैं कि जी मैंने फलाने का मुकाबला करना है उसको, फिर उसने जोड़ना भी है. लोगों की सैलरीज बहुत लिमिटेड है, महंगाई आपके सामने है. मतलब अपनी जिंदगी को उस लेवल पे किसी दूसरे की जिंदगी के लेवल पे लाते रहते लोगों की जिंदगी गुजर जाती है. हम दूसरों के लिए ही जी रहे होते हैं जी. वलीमे में आके पूछना ना जी मामू कब बना रहे हो, नानी कब. अरे अभी तो वलीमा है, सबर तो कर जाए. कोई बर्गर थोड़ी मंगाया आपने 20 मिनट में आ जाएगा, टाइम लगता है. अच्छी बात है यार. ठीक है जी. दानिश ने कहा कि आप उस कॉमेडी के फेवर में नहीं जिसमें किसी को की कोई इंसल्ट की जाए. अच्छा, क्लीन कॉमेडी होनी चाहिए. अच्छा, एंड यू वॉन्ट और क्या, एसिडिटी नहीं हो. मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. एसिडिटी नहीं हो, ये बहुत अहम है कॉमेडी में. एसिडिटी नहीं हो, स्टमक में छेद नहीं हो. हाँ, विंग्स खा के हो जाए बल्ले. अब बताएं जरा, आपने ये कहा था तो इसका क्या मतलब था? क्या आप बड़ा क्लीन सा मतलब है, लेकिन व्हाट यू. हाँ, देखिए मेरा कभी किसी को तंज नहीं करना चाहिए. नहीं नहीं, ये मैंने ये नहीं बोला कि कोई और नहीं करे. मैं अपनी बात कर रहा था. मेरा अपना जो गोल है दानिश अली का एज अ ब्रांड, वो ये है कि मैं हर बंदे को रीच करूं, जो घर में दादा दादी हैं उनको रीच करूं, जो बच्चे हैं छोटे उनको रीच करूं, हर तबके के लोग को रीच करूं. तो उसके लिए मुझे क्लीन कॉमेडी रखना होगा. ये मेरा अपना जाती गोल है. और मैं कमर्शियल होना चाह रहा हूं. मेरा जो एक रोल मॉडल है इंटरनेशनली, जेरी साइनफेल्ड, उनका शो पूरी दुनिया का सबसे सिंडिकेटेड शो होगा जो हर ममालिक में चलता है. मैं अगर ये पाकिस्तान के लिए कभी कर पाऊँ, कि मेरा कोई अल्लाह करे मुझे मौका मिले शो करने का जो सिंडिकेट हो जाए, क्योंकि वो क्लीन कॉमेडी था. अगेन, लेकिन मैं ये किसी तौर पे पुलिस नहीं बनना चाह रहा कि कोई और ना करे. okay. वो भी बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, वो अहम काम कर रहे हैं, यू नो. मैं उसमें जाइन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. बट डू यू बिलीव दैट अगर जो कोई किसी के ऊपर तंज करके भी कर रहा है, वो ठीक कर रहा है? बिल्कुल ठीक कर रहा है. अच्छा? वो करे, काश मैं कर सकता. मैं भी कभी चाहता हूँ कि यार कुछ गलत देख रहा हूँ मैं भी करूँ, लेकिन मैंने करियर पाथ अपना डिफाइन कर लिया अपने लिए. मैं क्लीन कॉमेडियन रहना चाहता हूँ. व्हाट यू से कि अगर कोई किसी दूसरे पे ही तंज करके कॉमेडी कर रहा है तो वो, इज दैट ओके? अच्छा, गुड वे टू. मेरा ये मानना है कि मजाक करना और मजाक उड़ाना, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट. जब मजाक उड़ाने पे चले जाते हैं ना. लेकिन अब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं पड़ गया लोगों को, यानी स्पेशली बड़े नाम जो हैं. हाँ. यानी वो लिखना और बहुत कुछ कहना शायद खामोश हो गए कि फलां माइंड कर जाएगा या ये. जस्ट बिकॉज़ एक चीज अगर डाई डाउन एज इन के लाइक कम सप्रेस हो गई, दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. दैट मींस कि वो अभी भी है. मैं इसकी अब जैसे टीवी शोज अगर आप देख चैट शोज जैसे कि आप देख लें, रीजन वाई एम हेयर इज बिकॉज मैंने आपका शो देखा हुआ है. अमूमन क्या होता है कि आप एक गेस्ट को बुलाते हैं, वो आपको इज्जत देता है, टाइम देता है, और आके लोग फिर उसी का रिकॉर्ड हो जाता है. दिस इज सो रॉन्ग. तो मुझे ये व्हिच इज आई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अ शो आई बिलीव्ड इन दिस कि यार आप बदतमीजी नहीं करेंगे. जब मैं किसी शो में जाऊँ तो मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई एम वेरी लाइक दिस, यू नो, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ. तो मैं वो चाहता नहीं कि मैं भी किसी के साथ वो करूँ मोस्टली. तो यू राइट. तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी का मजाक उड़ाने पे आप अपने आप को. हाँ. बस किसी के स्टमक लाइनिंग पे आपको कोई नहीं, वो तो ये हाँ, भाई ये तो कंटेंट का ये है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है वो उस पे है. नहीं करना था. अच्छा, ना आपने ना वैसे बड़े ये बबल्स बनाए हुए जरूर हैं, लेकिन ये अंदर है पानी. हमने पानी डाला, आपको क्या लगा? शोल्डर ड्रिंक है. अच्छा, कोई आपका जरा सीना ठंडा कर दे, लेकिन बबल्स बने. आपका सीना ठंडा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. सही है. ओके सर, ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. जुनेद और दानिश हमारे साथ मौजूद हैं. छुट्टी बंद हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आप जानते हैं क्या होने वाला है? नहीं, मुझे एक डब्बा तो नजर आ रहा है, या तो अच्छा लग रहा है, बड़ा फैंसी सा है. हां, इसमें क्या हम जाएंगे अगर गलत जवाब दें? नहीं सर, मैं ना जाऊं, मुझे मसल स्पैज़म है, फिजियोथेरेपी से सीधा आपके पास आया हूं. मुझे इतना चल फिर रहा हूं ना मैं. नहीं बिल्कुल, इसके अंदर आप लोगों को नहीं जाना होगा. इसमें से बहुत जबरदस्त कपड़े निकलेंगे जो आपको यहां पे पहनने होंगे.
मुझे कुछ शरारत नजर आ रही है इनकी आंखों में. कोई ज्यादा शरारत नहीं है. सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाएंगे, यू विल चूज अ नंबर एंड देन यू विल चूज व्हाटएवर इज इन दिस, राइट? पहला सवाल पूछें? श्योर. पहला सवाल ये है, विच कंट्री हैज 27 स्टार्स इन इट्स फ्लैग? सिंगापुर, ब्राजील या सोलोमन आइलैंड्स? ब्राजील. यू सेड ब्राजील. सोलोमन आइलैंड्स. लेट्स सी द राइट आंसर. हैं उसमें स्टार कहाँ हैं? वो ब्लू के अंदर. तुक्का लग गया. नंबर चूज कीजिए भाईजान. फोर. नंबर फोर. यार ब्राजील के झंडे में सितारे कहाँ हैं? दिखा दें. सिंगापुर में नहीं है. दिखा दें यार. अल्लाह रहम करे. ऐसी जबरदस्त चीज निकली आपके लिए, आप याद ही करेंगे. कहाँ चली गई? स्कर्ट ना हो कोई. तकरीबन. ओ हेरा फेरी. Okay, I'll wear this. Ho jao pagal. Agla sawal aapke liye ye hai. GST was first imposed by which country in the world? Italy, France, or Germany? Quick, you have to be quick. France. Okay, you said France, you said? You, it doesn't matter now. Italy. Italy. The right answer is... Tukka. Tukka. Can I be... Of course. मैंने MCQs वाली ना लगाई कि पहला बी आया तो दूसरा भी कभी कभी ना जान के टीचर बी डाल देता है कि यहाँ तो स्टूडेंट आएगा ही नहीं. okay. मैं तो ऐसी तुम्हारी तरफ झांक रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस होता है ना कि एग्जाम देते हुए कि किसी और का फर्रा देख ले, वो था ही नहीं. आई विल गो विद नंबर 10 सर. नंबर 10. एंड तक वो थक गए होंगे ना तो कुछ हल्का सा होगा. सर कुछ शरारा निकाले इसके लिए. शरारती तो है ही है. यार मैं आई वुड हैव लव्ड दिस बाय द वे. यार वो क्लाउन क्लाउन वाला मीम है ना, मीम बन गया ये. क्या बन गया? एक मीम है क्लाउन वाला. मे बी इफ आई वर्क हार्ड माय एम्प्लॉयर विल नोटिस मी. तो वो मेकअप कर रहा होता है एंड में ये आ जाता है. ओके चलो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले बताना जो पहले बताया वो चीज देखा. विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज द लॉन्गेस्ट? हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट या ओथेलो? हेमलेट. आई विल गो ओथेलो. ओथेलो. हां ओथेलो. उन्होंने ओथेलो बोला. अच्छा मैं कुछ और बोलता हूं फिर. मैं हेमलेट बोल देता हूं. Final decision. Othello. You said Othello. You said Hamlet. Right. Ah! मैं तो Othello बोल रहा था. You were right. मैं बिल्कुल सही. ये इसमें सबक है जो मैं कह मैंने अभी भी नहीं सीखा. Sir, please, I'll go with number 3. Oh. Oh. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you. भाई हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम जो है ना, नाजिया हसन पे फुल उबूर हासिल है. बाय द वे आपको पता है लाहौर में अगर किसी खातून ने रिक्शे वाले को बोलना हो कि रिक्शा की डायरेक्शन बतानी हो तो क्या बोलती हैं? Othello. Othello. Lame. Othello. ये पंजाबी. Othello. अच्छा. सही जी. अगला सवाल बहुत आसान. Okay. Quick बताना. Which language has the most words? French, Sanskrit या English? Sanskrit. I'll go with French. मगर पिछला वाला A था, इस बार शायद. Oh English. I'll go with English. I'll go with French. यार मैं change करते हैं. देखो मैं change. English. English. बस सारे बोल दे तू. Final. Final जवाब. English. I'll go with French. कैसे? How is it possible? Logic. मैंने सर, I have serious concerns about your research team. मैंने कहा था ये खराब. मैंने कहा था. Sorry.
इसको सर ठीक कर दो यार, ये तो लग रहा है भी काट पंजा आएगा कहीं से। तो मैंने आपको कहा था बहुत आसान यार, ये चूज कर लें आप। नंबर 7 मुझे तो लग रहा था आप ये बाहर स्ट्राइक करने वाला था सर। इसकी मैचिंग का निकालें कुछ। एंजल एंजल याद आ गया। एंजल खड़ा हूं खड़ा हूं। वैसे ये यू ज्यादा अच्छा लगेगा। ये किसी एयरलाइन का मैस्कॉट लगने लग गया। अगला सवाल ये है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ? वेरी इजी, हमिंगबर्ड। यू सेड हमिंगबर्ड, इट्स कीवी, नाइटिंगेल और व्हाट? आई विल से नाइटिंगेल, आई थॉट इट्स हमिंगबर्ड बट आई विल से नाइटिंगेल। ओके, सही जवाब है हमिंगबर्ड। सर नंबर 1 जो भी आपका मेहमान यहाँ से जाता है तो सीधा स्ट्रेट फॉर पार्टी, मतलब दिस इज गुड ग्रेट पार्टी। Okay, सर सोचा ये इलाका नहीं बताऊंगा वरना सारे लोग आ जाएंगे, सर चांस दे दें, मगर ये पहन के अगर मैं नीचे उतर गया तो क्या हाल होगा मेरा? क्या होगा? पार्टी पार्टी सर, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रुकेंगी। हे व्हाट्स अप एंजल, लेट मी बी योर डेविल। ओह माय गॉड, स्क्रीन पे अगला सवाल ये है, द लॉन्गेस्ट ब्लू व्हेल हैड अ लेंथ ऑफ हाउ मेनी फीट? 99 105 या 111? 105 ट्रिपल वन। और सही जवाब है, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? What is going on? This is so far recorded longest blue whale. भाई उसमें जो longest है मैंने वो बोल दिया, वो आखिरी longest निकला। ये logic था? क्या logic है? दानिश ना कॉलेज में मैं एमसीक्यू में पास करता था ना इधर कर रहा हूँ। यार तो डॉक्टर कैसे बने, वो तो बनती है एमसीक्यू से। मैं खुद हर दिन यही पूछते रहता हूँ कैसे बने। ये तो मुझे भी नहीं पता। सीरियस कंसर्न्स हैं भाई हम। दानिश नंबर सर नंबर 9 इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे साथ है? है क्या? नाक है। Which is nose? ज़्यादा फर्क नहीं है लग रहा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया। थैंक यू। अरे नहीं ज़्यादा है, लंबी है, बहुत लंबी है। पिनोकियो फील जा रही है। ओके जी। अगला सवाल। थैंक यू। अगला सवाल आपका ये है, Which of the following science is considered the mother of all sciences? Biology, chemistry. Mathematics, you said? Chemistry. You said chemistry, you said? Mathematics. Okay, sahi jawab hai. Ye nose ka power hai. Ye nose ka power. M se mother, M se mathematics. Woh, ye logic lagaiye. Sir, number 2. Waise main ek number aadmi hoon, lekin number 2 kar lete aap. पायरेट कबूल है सर, ये तो कॉम्प्लीमेंट है।
आई थिंक मैं कूल लग रही, कूल लग रही, जैक स्पैरो बनता हुआ जैक स्पैरो बनने जा रहा हूं। या आई लाइक इट, इट्स अ गुड लुक, अच्छा लुक है, है ना, कूल है। यू शुड अप्लाई दिस, मतलब ये तुम इसके साथ घूमो तुम थोड़ा सा। ओके, अगला सवाल ये है, When did Pakistan become a member of the United Nations? Oh 30 August, 15 September या 30 September? I'll go with A. I'll go with A हो भी सकता है? नहीं, हाँ A. I'll go with A. I'll go with B. A. B. Okay. आ जाएं भाई। चलो दोनों ही गलत। दोनों ही गलत। भाई दोनों चूज कर लो अपना नंबर। नहीं इस पे तो बंद, ये तो कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नहीं ये प्लस नहीं हुआ, यहां पे माइनस माइनस ही हुआ। नंबर चूज, आई विल गो विद 6। नंबर 6, हां 6। ओ ये सेहरा भी है, हिंट है इसके लिए शादी वाली। सर मुझे सीरियस कंसर्न्स हैं अब दानिश पे, क्योंकि सेहरा भी है और दुल्हन भी है, मतलब व्हाट इज ही एंड व्हाट इज ही फीलिंग, मल्टीटास्क वो वाले तो नहीं चले गए कि मतलब आई एम कह रहा मल्टीटास्क, आई एम फीलिंग समथिंग, वो कह रहा मल्टीटास्किंग, आपको हर चीज थोड़ा सा यू नो मतलब पार्टी भी है, यो भी चल रहा है, पिनोकियो भी, दुल्हन भी, दूल्हा भी, at least this is like हेरा हेरा फेरी एंड पायरेट और एंज तायरशा। ओह बट लाइक दिस इज फार वर्स, आई लव तायरशा। आपका रह गया, यू आर आल्सो मिस्टर फनी मैन, नंबर 5 कर दे, आपका हाथ 8 पे गया खुद ब खुद, आप शरारती हैं तो आपने ना बहुत अच्छी चीज निकली यार, सर फिट ही नहीं होगी इस पे, कहां फिट होगी, उसको उतार देते हैं। सर मुझे ये पहन के फीलिंग आ रही है कि ये शादी नहीं हो सकती, मेरी पगड़ी तो जमीन पे गिर गई। अच्छा हाँ सही है, बिल्कुल हो सकती है शादी, ज़ूम इन शॉट भी तो आना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल मस्सा भी लगना चाहिए। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमारी फिल्मों में जो मस्से होते थे ना, फिल्मों में जो मस्से होते थे विलन के मुंह पे, हाँ वो ऐसा होता कि वो मस्से में भी, मस्सा भी एक एक लिविंग बीइंग है, आप ड्रामे में फैमिली होगी, खाता पीता होगा, स्कूल जाते होंगे, भाई ड्रामे में ऐसा सांस लाए ना, यूं देखेगी डंग 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 ऐसे, हाँ उनकी नाक गिरती रहेगी। ओके जी, ये आखिरी सवाल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आइटम रह गया है और मेरे पास जगह खत्म हो गई है, तो आई थिंक ये दानिश को आखिरी सवाल तो बहुत अच्छा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, कोर, क्रस्ट, कोर या मेंटल, कोर, very very easy, हाय हाय इसने कोर बोल दिया, और आपने क्या बोलना था, क्रस्ट बोल देते हैं, मुझे अभी पिज्जा याद आ रहा है तो क्रस्ट बोल देते पिज्जा याद आ तो क्रस्ट बोलते हैं। सही जवाब है ऑफ कोर्स, को तेरी कोर, तेरी कोर, तेरी कोर, तेरी कोर। सर अब बचा तो कुछ नहीं है, नंबर 8 ले आए, अब अल्लाह रहम करे क्या है, मुझे दिख नहीं रहा इसमें कोई अच्छा ही हो, कोई रिस्पेक्टेबल चीज हो, ये भी होता है, क्या बात है, वेरी नाइस, ना वेरी वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, जबरदस्त। वैसे मैंने नोटिस किया कि ज्यादा तुक्के मारे आप दोनों ने, हाँ या मेरा पूरा जिंदगी का मोटो यही है कि तुक्के मारो, तुक्के मारो, हाँ बस सही रहता है, हाँ सर, और सर कॉन्फिडेंस, कभी गलत कॉन्फिडेंस बोलना है, हाँ हाँ यही होता है, मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ये है, लोग मान जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये होस्ट ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गलत, कोई और थे होस्ट, नहीं ये सही बोला, कोई और थे होस्ट, होस्ट कोई और, ये होस्ट है, ये होस्ट है शो का, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जनाब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और कुछ ही देर में हाजिर होंगे, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।
Janab, welcome back to Time Out with Ehsan Khan with these two brilliant, amazing, shining stars. ये हमारा segment है कि इसमें कोई नाम या कोई गाना या कोई पर्ची कुछ निकलेगी तो आप उसको follow करेंगे, बताएंगे उनके बारे में कुछ ना कुछ कह देंगे. तो ये क्या है? Mathira. Okay. सबसे मुश्किल वाला I think उसके पास आ गया. अच्छा? बोलूंगा कि मथीरा बन के बोलो भाई. मैं बोलूंगा पहला लव्स प्रोग्रेसिव, ठीक है ना? वो टोटली उनका यार सेफ चल रहे हैं यार दानिश. हाँ सेफ. मैं मेरा देखो पूरा जिंदगी का मोटो सेफ चलना ही है. तो आई विल से कि गुड फॉर हर. और जितना वो अपनी जिंदगी जी सकती है, जितने वो अपने टर्म्स पे जी रही है वो जीती रहे. मुझे किसी से कोई एतराज नहीं होता एंड आई थिंक मोर पावर टू हर. मैं यही बोलूंगा. सही है, ठीक है. वाज दैट सेफ एनफ? यू खानो हाँ, अच्छे आदमी है, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे हैं उनके. मैं कभी मिला नहीं. हाँ, मैं भी कभी नहीं मिला. में देखा था वो मेरे से चार सीटें उधर बैठा था. ईसा में हाँ नजर आए थे मुझे वो. हाँ, सही कह रहे हैं आप. माइकल जैक्सन स्टाइल का जैकेट पहना. असल में वो हर वक्त ना वर्क मोड पे होते हैं. हाँ, ये मैंने उनके बाद नोटिस किया. हर वक्त वो यूं होते हैं. तो मेहनती कह ले, बहुत मेहनती. वो यूं थे तो मैंने अच्छा ये व्लॉग हो रहा है और तो मैंने फिर उधर से यूं हो गया और फिर मुलाकात नहीं हो पाई. बट लाइक ये सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे हैं उनके. ओके, जो मतलब माशाल्लाह. मैं कहता हूँ अब मुझे लगता है व्लॉगर्स को सियासतदान भी बनना चाहिए. अरसलान नसीर, गुड लुकिंग गाय, फनी, क्रिकेट कॉमेडी. क्या कहता? तो डिजर्व टू विन. और या मुश्किल कैटेगरी थी. बस इसका लास्ट नेम मुझे आता नहीं था. अपना लास्ट नेम बदल लें ताकि मेरे लिए आसान हो. सीबीए कर ले. सीबीए कर ले. जैद अली. तू क्यों हंस रहा है? मैं हंसते रहता हूँ. मुस्कुराता आदमी हूँ मैं. हंसते ही रहता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ. अच्छे आदमी है और बस मेरी एक शिकायत है उनसे. वो हर इंटरव्यू में ये बोलना बंद कर दें कि मेरी बीवी मुझसे 4 साल बड़ी है. अच्छा, ठीक है. मतलब ठीक है, इट्स फाइन. मेरी भी बीवी बड़ी है. इट्स ओके. मतलब मुझे लगता है कि वो बड़ा ओवर एम्फेसाइज करते हैं कि उन्होंने कोई शादी मतलब मोहब्बत तो एज की कैद दी है. आई मीन सर्टेन केस में एज की कैद होनी चाहिए. हो सकता है वो भूल जाते हैं. मे बी इट्स अ सिंपल थिंग. ही वो अपने आप को बताए मेरी बीवी. हां, मेरी भी चाहिए. क्या पता वो एक कोड हो, वो एक सीक्रेट एजेंट हो, कैनेडियन स्पाई हो वो. और वो स्पाई जो है यहाँ पे घुस गया पाकिस्तान में और वो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड शोज में भी परफॉर्म किया है. एहसन खान को भी. मैं भी जब ज्यादा कॉफी पी लेता हूँ मैं भी ऐसी साजिशें सोचते रहता हूँ. नहीं, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं उससे किया कभी भी नहीं. ओके, अब ये वाला अच्छा होगा. दिस इज गोना बी गुड. इतना लंबा मुंडिया दुपट्टा छोड़ मेरे चढ़ मेरे चड्डी या मुंडिया दुपट्टा चड्डी मेरे छोड़ मेरे होगा. मुझे परफॉर्मेंस करना है इसमें. हाँ, कर लेता हूँ. हाँ, चलो जी चलाओ गाना. तो यार बड़ी मूव्स है बॉय में. फुल ये जो मैं फुल वेस्टर्न स्टाइल ब्रेक डांस स्टार्ट कर लिया. मुझे नहीं, लेकिन जो पैरों का मूवमेंट था ना बड़ा मुझे कोई परवाह नहीं थी. हां, फुल यानी पता लगे डांसर है इसके अंदर. एक लचकदार है. बहुत डांसिंग वीडियो भी आएगा बहुत जल्दी. ऑयलिंग हुई भी इसके. ताबेश ग्रेट गाय, वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ही इज मेड वेरी बिग वेरी क्विकली. बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी. और माशाल्लाह, सो हैप्पी फॉर हिम. अगेन ही वॉज अ नॉमिनी इन आर कैटेगरी
और उनको भी नहीं मिला, सीबीए को मिल गया क्योंकि जैसे दानिश ने बोला गुड लुकिंग है, हालांकि इसलिए नहीं मिला, सीबीए इज वेरी टैलेंटेड एज वेल ऑफ आई थिंक, ये सभी अच्छे थे एंड ऑल्सो ताबिश मैं पहली बार मिला हूं पीसा पे, तो जो मुझे अच्छा लगा ही इज सच अ हंबल गाय, मतलब हां हां हां, आई आल्सो हंग आउट विद हिम, मतलब अवार्ड के बाद फिर हमने अपने अवार्ड्स का रोना रोया, नहीं बात कर रहा हूँ, मगर ये कि वही ना ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस अलग होती है ना, तो एक बड़ी हमारी केमिस्ट्री, हालांकि हमने उनके शो पे मैं गया भी था, उन्होंने बड़ा रोस्ट किया था मुझे बड़े अच्छी तरह, अच्छा, और मगर उसमें अच्छा, हाँ एक चीज मैं बताऊँ, मैं ताबिश के शो पे गया, जो लोग वो वीडियो देखते हैं उसमें वो लोग कमेंट कर रहे हो ताबिश ने रोस्ट कर दिया गजी स्वैग को, ये वो, असल में नो फॉल्ट ऑफ ताबिश सर, असल में इस इंडस्ट्री में मशहूर है कि टाइम पे कोई नहीं आता, मुझे बोला 4 बजे आना, मैं 4:45 पहुंच गया, वाह, और मेरी बारी आई रात के 10:30, अल्लाह, क्योंकि आयशा उमर आई हुई थी और उनका इंटरव्यू हो रहा था, ओ। तो मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी, मैं रेड कितनी पीता एनर्जी ड्रिंक भाई, खल्ली बल्ली यार, तो मैं बिल्कुल डाउन हो गया था, बट स्वैग था, गंजी स्वैग, वो क्या था गंजी स्वैग, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा ब्रांड है गंजी स्वैग, कभी कभी सर लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं उसको आप ओन कर लो, हाँ है भाई, हाँ है तो क्या कहते हैं, हाँ गंजे, व्हाट आर यू सेइंग, कभी कभी देखिए कभी कभी स्क्रिप्टेड भी होता है, लोग ये समझते नहीं, जैसे एक बार मैंने शाहिद अफरीदी को इंटरव्यू किया जिसमें मैंने कहा था सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर शाहिद भाई ने बोला मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, पर मैंने वाकई, तो शाहिद ने बोला नहीं, तो मैंने उनको ये स्क्रिप्टेड मैंने उनको बताया था कि आप सर इस तरह कह लीजिएगा, ही वाज नाइस एनफ कि शाहिद भाई ने ये सब कुछ कह दिया, बाद में कमेंट्स आए हाँ शाहिद भाई ने तुम्हारी इतनी कर ली हो ये वो और वो, हाँ, वो तो हाँ. तुम कॉमेडियन हो भाई, मैंने ही लिखा था वो गाना ना हो बस, हलीम नहीं फाइजा सलीम, फाइजा बहुत अच्छी खातून है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है चले बोलना है बोल दूं भाई, वो फाइजा सलीम मेरे शो पे आई थी तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि पाकिस्तान्स फर्स्ट फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उन्होंने बोला कि आपको फीमेल बोलना जरूरी था, राइट right? तो फिर फर्स्ट कैसे बोलते नहीं आप? हाँ एग्जैक्ट नहीं चले वो छोड़ें, फिर मेरे दिल में आया मैंने बोला नहीं कि वो अपना हर शो इसी तरह स्टार्ट करती हैं ऐसा है कि नहीं है, I love Faiza. Faiza is great. So do I. She's lovely. She's amazing. मेरी बहुत अच्छी उनसे केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी दोस्त है, मगर फिर वो मतलब मैं शो पे मेरी गेस्ट है तो मैंने फिर मतलब नहीं करता करे खली वली एडिट में देख लेंगे, लेकिन वो खुद अपना शो हमें हर शो ऐसे ही स्टार्ट करती है, पाकिस्तान्स फर्स्ट इम्प्रोव ट्रूप, ऑल फीमेल इम्प्रोव ट्रूप मेरा सबसे पहला है साउथ एशिया का, तो वो खुद बोलती है जो मैंने बोला तो करिए आप मुझे पॉलिटिकली करेक्ट कर दे, मेरा ओके चले ठीक है मान लेते हैं भाई ठीक है, अब हंस क्यों रहे आप, क्यों हंस रहे ऐसे ही ऐसे, मैं मिसेज और फाइजा सलीम मिले थे मुल्तान एयरपोर्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस, जहां उन्होंने पूरी कहानी बताई वो कितनी बार उनकी गाड़ी से चीजें चोरी हो जाती हैं, तो ये कोई अगर चोर देख रहा हो फाइजा की गाड़ी बहुत इजीली खुल जाती है, उससे चीजें चोरी, गाड़ी बता भी दो कौन सी, फाइजा की गाड़ी से लिटरली वो बता रही थी कुछ 10 बार चीजें चोरी हुई और उसके पास बहुत महंगे महंगे पर्स होते हैं, मैं सबको फ्री टिप दे रहा हूं, क्या बात है, फाइजा है बहुत स्टाइलिश, सॉरी फाइजा, दैट इज ट्रू, फाइजा नोस लाइक हाउ टू कैरी हरसेल्फ एंड शी इज सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, वो बहुत स्टाइलिश है, व्हिच इज ग्रेट, मोर पावर, वेरी नाइस जनाब, गाइस बहुत ही थैंक यू वेरी मच, इधर आइए 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 यहां पे आइए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैन, सर थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू एज़ वेल, बिकॉज़ होता ये कि हम लोग ना एक सर्टेन टाइप आप लोगों की हमारे साथ भी होता है एक्टर्स, एक्चुअली फेमस पीपल, वेल या सेलिब्रिटी स्टार्स, एक ही तरह के लोग हम लोग नोटिस कर रहे थे आपके शोज पे या आपने जो भी असल पर्सनालिटी का लोगों को नहीं पता होता यूजुअली बहुत ज्यादा, आपने सोचा कि हमने बहुत बुला लिया अब असल स्टार्स को बुलाते हैं, यही मैंने बिल्कुल ये सोच के ही इनको बुलाया दोनों को, लेकिन जाते जाते मैंने अपने जो लोग फॉलो करते हैं कुछ कहना चाहोगे दानिश, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फॉलो ऑल दीस जेंटलमैन, जस्ट या हैव अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू, हाय हाय क्या एटीट्यूड है यार, एंड द पिनकल ऑफ माय करियर कि मैं एहसन खान के शो पे आया, आई थिंक आई मेड इट, so thanks for having me man, love you it seemed he didn't mean this, sabko bataya main physio kara ke aa raha hu, utne dhakke de sorry yaar dobara jana padega, wo seedha kar rahe hain, dobara jana padega, as a chiropractor thank you yaar, aap log ka mujhe feedback zarur dijiyega, main batayega ki ye show aapko kaisa laga, in dono ko batayega aur aap dono mujhe bata dijiyega, janab agle hafte aapse mulaqat hogi, dekhte rahiyega time out with Ehsan Khan, ab ye bhi karna hai, ye karna hai, yes